आज की वीडियो में हम जानेंगे कि कोटक सिक्योरिटीज के अंदर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कैसे लगाना है, क्योंकि जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होता है वो नॉर्मल स्टॉप लॉस से थोड़ा सा डिफरेंट होता है। और कोटक सिक्योरिटीज का जो मोबाइल एप्लीकेशन है वो भी ऑलरेडी अदर मोबाइल एप्लीकेशन से डिफरेंट है, जैसे एंजल हो गया, जीरोधा हो गया, आईएफएल सिक्योरिटीज हो गया। यहाँ पर क्या काफी सिंपल तरीके से दिया गया है, लेकिन यहाँ पर कोटक सिक्योरिटीज में थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से दिया गया है और जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है वो भी बहुत डिफरेंट तरीके से दिया गया है। इसलिए बहुत सारे लोगों के कन्फ्यूजन थे, क्वेश्चन थे कोटक सिक्योरिटीज में ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कैसे लगाना है। तो मैं सारी चीजें आपको डिटेल में बताऊंगा लाइव मार्केट में, इसलिए वीडियो को पूरा देखना बगैर स्किप किए हुए। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अपन जान लेते हैं कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होता क्या है। तो देखिए, नॉर्मली जब भी हम ट्रेडिंग करते हैं, मान लो हमने किसी शेयर को या फिर बैंक निफ्टी किसी प्रीमियम को सपोज करो हमने 100 रुपीज से बाय किया, उसमें हमने स्टॉप लॉस लगा दिया कितने का, 90 रुपए का, और हमने टारगेट लगा दिया मान लो उसमें 120 रुपए का। तो नॉर्मल कंडीशन हो गई कि यहाँ पे अपन ने नॉर्मल तरीके से टारगेट भी अपना लग गया और स्टॉप लॉस भी लग गया। अब ट्रेलिंग स्टॉप लॉस में क्या होता है, एक स्टेप अपन आगे चले जाते हैं, उसमें क्या होता है बेसिकली कि अपना जो स्टॉप लॉस है ना मूव होगा, मतलब ऑटोमेटिकली स्टॉप लॉस चेंज होगा। और उसमें क्या होगा कि अपन से एक एक्स्ट्रा प्राइस पूछेगा कि अपने टारगेट दे दिया, स्टॉप लॉस दे दिया अपन ने, ठीक है, अपन को एक्स्ट्रा एक और प्राइस देनी पड़ेगी ट्रेलिंग के लिए, ठीक है, मतलब स्टॉप लॉस मूव कराने के लिए कुछ पॉइंट देने पड़ेंगे। तो सपोज करो पॉइंट अपन ने दे दिए कितने, 2 दे दिए अपन ने मान लो, ठीक है। अब क्या होगा कि जैसे ही मार्केट चलेगा, ठीक है, अब 100 रुपये जो अपना रेट है जिस रेट से अपन ने बाय किया है, ठीक है, यहाँ से शेयर का रेट जैसे ही हो जाएगा 102 रुपये, तो जो अपना स्टॉप लॉस 90 पर है ना ऑटोमेटिकली अपना 92 हो जाएगा। तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस में बेसिकली यही होता है कि जैसे जैसे रेट बढ़ेगा शेयर का, वैसे वैसे जो अपना स्टॉप लॉस है ना वो भी अपना ऑटोमेटिकली उसको फॉलो करेगा और वो भी धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। शेयर का रेट बढ़ के मान लो हो गया 104 रुपये, तो जो आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है, मतलब जो आपका स्टॉप लॉस है वो आपका ऑटोमेटिकली कितना, 94 पर आपका शिफ्ट हो जाएगा। लेकिन ये जो स्टॉप लॉस होता है ना बैक नहीं होता है, मतलब आगे जैसे जैसे मार्केट का रेट बढ़ेगा तो बढ़ता जाएगा, लेकिन अगर मार्केट मान लो नीचे गिर गया तो ये बैक नहीं होगा और आपका स्टॉप लॉस जो है ना 94 माना जाएगा। अब मार्केट अगर नीचे आता है 94 पर आता है तो 94 से आपकी पोजीशन एग्जिट हो जाएगी, मतलब आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाएगा। और इसका लगाने का सबसे बड़ा जो फायदा होता है वो ये होता है कि मान लो आपने खरीदा 100 रुपये से और आपका शेयर रेट बढ़ रहा है, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा कि कहां तक कितना बढ़ेगा और किस पॉइंट पे मैं इसको एग्जिट करूं, जो कि एक सही पॉइंट रहे मुझे एग्जिट करने के लिए। क्योंकि अधिकतर लोगों के साथ क्या होता है कि मान लो शेयर का रेट बढ़ेगा यहाँ से पहुंच गया 150, ठीक है, लेकिन वो बेच ही नहीं पाते। अब उनको समझ में नहीं आ रहा कि भाई यहाँ से कितना और बढ़ सकता है, कितना और नीचे जाएगा, वो कन्फ्यूज रहेंगे और पता चला कि रेट गिर के आ गया 110 रुपये, फिर उन्होंने बेच दिया तो मात्र उनको 10 रुपये का ही प्रॉफिट हुआ है। तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस में बेसिकली अपन क्या करेंगे कि जैसे मान लो अपन ने 100 रुपये से खरीदा, 90 का अपन ने स्टॉप लॉस दिया, 2 रुपये डाल दिए अपने ट्रेलिंग में। अब 2 रुपये जो बता रहा हूँ ना, 2 की जगह 3, 4, 5 कुछ भी अपन अपने हिसाब से डाल सकते हैं। शेयर का रेट बढ़ के कितना पहुंच गया, 150 हो गया। शेयर का रेट जब 150 रुपये पहुंचेगा ना, तो जो आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है, मतलब जो आपका स्टॉप लॉस है ना, वो बढ़ के ऑटोमेटिकली कितना, 140 पर जाके आपका शिफ्ट हो जाएगा। 140 पर शिफ्ट हो गया। अब क्या हुआ, आपने बाय तो किया कितने से, 100 रुपये से आपने बाय किया है और आपका स्टॉप लॉस लग गया जाके कितने, 140 रुपये पर। अब देखो यहाँ पर अगर मार्केट यहाँ से गलती से नीचे गिर भी जाता है, 150 से मार्केट डाउन हुआ, 140 पर आ गया, तो आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हो जाएगा और आप मार्केट से एग्जिट कर जाओगे। अब मार्केट से आप एग्जिट कर रहे हो ना, तो भी आप देखो ना यहाँ पर 40 रुपये आप मार्केट से लेके बाहर निकल रहे हो, ठीक है, 40 रुपये के प्रॉफिट में आप निकल रहे हो, लॉस आपको नहीं हो रहा है और ये ऑटोमेटिक होगा, आपको इसके लिए कुछ करना नहीं पड़ेगा। जो स्टॉप लॉस रहेगा ना वो ऑटोमेटिकली मूव होगा। अब यहाँ पर मान लो जैसे 100 रुपये से आपने बाय किया, स्टॉप लॉस मान लो आपने 70 का डाल दिया है और ट्रेलिंग में आपने 4 डाल दिया, तो इसका रेट जैसे 104 होगा ना, तो स्टॉप लॉस भी आपका ऑटोमेटिकली 74 हो जाएगा। मतलब बेसिकली जो भी आप पॉइंट डालोगे ना, उस पॉइंट के मल्टीपल में आपका स्टॉप लॉस चेंज होगा। मान लो जैसे 100 रुपये आपने बाय किया, ठीक है, 100 रुपये से आपने बाय कर लिया, स्टॉप लॉस आपका 70 का है और आपने ट्रेलिंग पॉइंट कितने दे दिए, इसको 4 दे दिया। अब इसका रेट अगर 101 होगा ना, तो ये आपका 70 से 71 नहीं होगा आपका स्टॉप लॉस, ठीक है। जब इसका रेट 104 होगा ना, तभी ये आपका 74 पहुंचेगा ये, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो भी आप पॉइंट दोगे ना, उस पॉइंट के मल्टीपल में आपका स्टॉप लॉस मूव होगा। अब इसकी आपको प्रैक्टिस करनी रहेगी, जब आप प्रैक्टिस करेंगे धीरे धीरे सारी चीज़ें समझ जाएंगे। तो अभी अपन इसका प्रैक्टिकल कर लेते हैं, देख लेते हैं कि कोटक के अंदर कैसे लगता है। तो देखिए, मैंने कोटक का मोबाइल एप्लीकेशन अभी ओपन किया हुआ है, जब अपन ओपन करते हैं तो कुछ इस प्रकार से इंटरफेस हमारे सामने आता है। तो यहाँ पर देखिए, मैंने कुछ ऑप्शंस को ऐड किया, मैं आपको डायरेक्टली ऑप्शन में ही समझा दूँ, क्योंकि अधिकतर लोगों की क्वेरी ये होती है कि आप ऑप्शन में समझाओ मुझे, कॉल या पुट बाय करके बताओ, उसमें बताओ कि भाई कैसे चीज़ें होती हैं, क्योंकि आजकल का शेयर्स में किसी का इंटरेस्ट रहा नहीं है, आजकल सबको ऑप्शन ट्रेडिंग ही करनी है। तो मैं डायरेक्टली आपको ऑप्शन ट्रेडिंग ही बताता हूँ।
तो मैंने तो ऑलरेडी यहाँ पर देखिए ऐड करके रखे हुए हैं प्रीमियम, अगर आपको भी करना है तो आप यहाँ पर ऐड भी कर सकते हैं, डायरेक्टली आप यहाँ पर सर्च पे क्लिक करके आप सर्च भी कर सकते हैं। जितने स्ट्राइक प्राइस का भी आपको कॉल ऑप्शन है पुट ऑप्शन आपको लेना है तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी जो भी आपको लेना है। जैसे मान लो आपको लेना है मान लो 39,900 रुपीज़ का आपको कॉल ऑप्शन बाय करना है, 39,900 रुपीज़ आप लिखेंगे तो यहाँ पर देखो कॉल भी आ जाता है अपने सामने और पुट भी आ जाता है। अब जो भी आपको लेना बाय करना अपने हिसाब से आप कर सकते हो। तो मैंने तो चूंकि ऑलरेडी वॉच लिस्ट में ऐड करके रखा हुआ है तो इन्हीं में से अपन किसी पर ट्रेड करते हैं। और आज जो मार्केट का मूवमेंट है मतलब मार्केट का जो ट्रेंड है ना वो भी अप ट्रेंड दिख रहा है, मार्केट काफ़ी अच्छा खासा प्लस में जा रहा है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ 40,100 यहाँ पर लेता हूँ, 40,100 का मैं कॉल ऑप्शन सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है, और इसको मैं बाय करता हूँ। इसके अंदर अपन ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाएंगे। अब देखो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पर जो ऑर्डर्स आ रहे हैं हो सकता है आपने मेरी जो पुरानी वाली ऑर्डर्स वाली वीडियो है कोटक के ऊपर जो मैंने बनाई थी हो सकता है आपने नहीं देखी हो, ठीक है, तो उस वीडियो को आप जरूर देख लेना कि कैरी फॉरवर्ड इंट्राडे, ठीक है, और टारगेट स्टॉप लॉस कैसे लगाना, सभी प्रकार के जितने भी आपको ऑर्डर्स दिख रहे हैं सभी को मैंने एक एक करके लाइव एग्जाम्पल के साथ लाइव मार्केट में दिखाया हुआ है। तो उस वीडियो को आप जरूर देख लेना तो आपको डिटेल में समझ में आ जाएगा कि ऑर्डर्स कैसे लगते हैं कोटक सिक्योरिटीज़ के अंदर। तो अभी मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ। तो देखो सबसे पहले अपन को क्या करना है, इंट्राडे अपन को सेलेक्ट कर लेना क्योंकि जो अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगेगा ना वो इंट्राडे के अंदर ही लगेगा। और यहाँ पर देखो प्राइस डालने के लिए पूछ रहा है, अगर आप मार्केट से बाय करना तो मार्केट से भी बाय कर सकते हैं या फिर आपको अपना स्पेसिफिक कोई प्राइस देना लिमिट प्राइस देना तो लिमिट प्राइस भी दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पर लिमिट प्राइस दे देता हूँ, जैसे कि अभी ऊपर देखेंगे अपन प्राइस तो कितना 179 के आसपास अभी रेट चल रहा है इसका, ठीक है, तो अपन यहाँ पर डाल देते हैं 180 हो गया अभी, तो चलो 180 ही अपन डाल देते हैं, ठीक है। यहाँ पर अपन को लॉट सेलेक्ट करना है कि कितने लॉट आप बाय करना चाहते हो, तो मैं एक लॉट ही बाय कर रहा हूँ अभी, तो एक मैं सेलेक्ट कर दूंगा यहाँ पर। देन उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर कुछ नहीं करना है, सबसे इंपॉर्टेंट है क्या, ये जो लिखा हुआ है ना यहाँ पे TSLO और BO जो लिखा हुआ है इस पर अपन को क्लिक करना है, ठीक है। इस पर अपन क्लिक करेंगे तो देखो जो TSLO अपने सामने लिखा है इसका फुल फॉर्म होता है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ऑर्डर, और जो लिखा ना TSLO BO मतलब ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ब्रैकेट ऑर्डर, मतलब जैसे IIFL सिक्योरिटीज की बात करूँ तो वहाँ पे बहुत सिंपल तरीके से दिया है कवर ऑर्डर और ब्रैकेट ऑर्डर। तो यहाँ पर भी ये क्या है, कवर ऑर्डर और ब्रैकेट ऑर्डर नहीं है, बस इनने थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से दे दिया है। तो कई बार क्या होता है हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई कैसे करना है। अब देखो जो आपका ये वाला ऑर्डर है TSLO यहाँ पर सिर्फ आपका स्टॉप लॉस लगेगा, आपका टारगेट नहीं लगेगा, मतलब स्टॉप लॉस आप लगा सकते हैं साथ में उसमें ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी लगा सकते हैं, और इसके अंदर आप टारगेट भी लगा सकते हैं स्टॉप लॉस भी लगा सकते हैं और आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी लग जाएगा, ठीक है। तो दोनों में से किसी एक को मैं बता देता हूँ आपके लिए। देखिए अभी मैंने बैक किया, बैक करके मैं वापस वॉच लिस्ट में आ गए, पहले मैंने सेलेक्ट किया था कितना 42,100 कॉल ऑप्शन, ठीक है, उसमें कुछ मिस्टेक हो गई मेरे से, मतलब कि कुछ चीज़ मैंने ध्यान नहीं दी और तुरंत मेरा जो ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया और वहाँ से तुरंत स्टॉप लॉस टिगर भी हो गया, बहुत दो पॉइंट का ही मात्रा में स्टॉप लॉस दे पाया, ठीक है। तो मैं दोबारा से पोजीशन बना रहा हूँ और 42,200 अपन ले लेते हैं ताकि उस पोजीशन में मर्ज ना हो और आपको अलग से पोजीशन देखे। तो 42,200 को मैंने सेलेक्ट किया, सेम तरीके से सारी चीज़ें करेंगे अपन, लॉट मैंने एक डाल दिया है, इंट्राडे सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पर और यहाँ पर TSLO वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं। तो देखिए जो TSLO है और TSLO BO है जो है, ठीक है, दोनों में डिफरेंस कुछ नहीं है, सेम ही है, बस क्या होता है ना कि इस वाले में अपन को सिर्फ स्टॉप लॉस लगाना है, ठीक है, टारगेट यहाँ पर नहीं लगेगा और इस वाले में अपना टारगेट भी अपना लग जाएगा, सेम तरीके से दोनों चीज़ आएंगी। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया ना तो यहाँ पर देखो ये ऑप्शन अपन से पूछ रहा है, और अपन इस वाले पर क्लिक करेंगे ना तो एक चीज़ अपने सामने एक्स्ट्रा बढ़ जाएगी जो रहेगा बुक प्रॉफिट। तो अपन को बेसिकली टारगेट डाल देना जितने का भी अपन टारगेट लगाना चाहते हैं, जैसे अभी इसका रेट कितना चल रहा है 130-132 के आसपास चल रहा है, अब मुझे इसमें टारगेट लगाना कितने का 200 रुपये का, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा सिर्फ 200 डाल दूंगा, बाकी सारी चीज़ें अपनी सेम रहेंगी। तो अपन समझते हैं किसके लिए, TSLO को अपन समझ लेते हैं। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले अपन को क्या डालना, स्प्रेड, ठीक है, मतलब यहाँ पर अपन को पॉइंट देने, जो मैंने बताए थे ना कि 2 पॉइंट 3 पॉइंट कितने पॉइंट के मल्टीपल में आप स्टॉप लॉस को मूव कराना चाहते हैं, ठीक है, 2 पॉइंट अपन को यहाँ पर देना है। तो यहाँ पर जैसे मान लो मैं डाल देता हूँ 2, और देन इसके बाद यहाँ पर नीचे आएंगे ना, देखिए यहाँ पर जो टिक है ना स्टार्ट ट्रेलिंग एट मार्केट यहाँ पर दिख रहा होगा आपके लिए, ठीक है, यही मैंने गलती कर दी थी, पहले मैंने क्या किया जो टिक था ना इसको अनटिक करना है भूल गया था, जिस वजह से मेरा ऑर्डर तुरंत एग्जीक्यूट होकर तुरंत वहाँ से स्टॉप लॉस भी टिगर हो गया। तो ध्यान रखना आपको कि इसको अनटिक कर देना है, स्टार्ट ट्रेलिंग एट मतलब यहाँ पर क्या डालना, अपन को एक प्राइस डालना है कितने से अपन ट्रेल करना स्टार्ट करवाएंगे उसको, ठीक है ना। अब जैसे मान लो 2 रुपये का मैंने यहाँ पर डिफरेंस दिया, मतलब 2 रुपये लिखा है मैंने, अब मान लो अपन स्टॉप लॉस में 110 लिख देते हैं, ठीक है ना, तो 102 आएगा ना, सॉरी जब इसका प्राइस जो है मार्केट में, ठीक है, ऐसे 130 से अपन बाय कर रहे हैं, 132 होगा ना तो अपना स्टॉप लॉस कितने पर 112 पर अपना ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर अपन को क्या है ना 112 अपन को लिखना पड़ेगा। अब यही इसका बहुत कन्फ्यूजिंग होता है और यही मेरे को सबसे बेकार चीज़ लगी इसकी कि यहाँ पर क्या ना डायरेक्टली स्टॉप लॉस डालने का ऑप्शन नहीं दे रहा है यहाँ पर। अदर मोबाइल एप्लीकेशन के ऊपर ही मैंने वीडियो बनाई थी, जैसे एंजल के ऊपर ही मैंने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का बनाया, IIFL सिक्योरिटीज के ऊपर ही बनाया, वहाँ पर क्या बहुत सिंपल तरीके से सिर्फ अपन को यहाँ पर भी ये वाला प्राइस डालना होता है और अपन को स्टॉप लॉस प्राइस डालना होता है, सीधा अपन बाय कर दो, ठीक है। अब यहाँ पर उन्होंने तीसरा अलग से दे दिया सिर्फ कन्फ्यूजन करने के लिए, अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि क्यों दे दिया ऐसा, वो सिंपल तरीके से भी दे सकते थे, ठीक है, बट उनका अपना कोई लॉजिक होगा। तो यहाँ पर मैंने क्या सेट कर दिया, यहाँ पर मैंने एक तो लिख दिया ट्रेलिंग स्टार्ट एट 112 कर दिया,
स्प्रेड 2 डाल दिया, देखो अपना स्टॉप लॉस है ऑटोमेटिकली 110 का आ गया। मतलब अपन को अगर 110 रुपये का स्टॉप लॉस लगाना है तो अपन को ये प्रोसेस फॉलो करनी पड़ेगी। जितने का भी स्टॉप लॉस लगाएंगे तो यहाँ पर आपको डालना पड़ेगा, तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली आपका स्टॉप लॉस सेलेक्ट होकर आएगा। ठीक है, देखो मार्केट भी एकदम से बढ़ गया, कहाँ 130 था कहाँ 150 पहुँच गया डायरेक्टली। ठीक है, तो चलो इसको अपन प्राइस को अपन चेंज करते हैं और यहाँ पर अपन डाल देते हैं 150 ही कर देते हैं। अब मैंने देखो यहाँ पर सेलेक्ट किया, अब अपन इस ऑर्डर को रिव्यू करेंगे, रिव्यू करके इसको बाय करेंगे, देखें क्या बोलता है। ऑर्डर अपना इसने रिजेक्ट कर दिया, ट्रेलिंग प्राइस कैन नॉट बी लेस देन द ऑर्डर प्राइस। ये बोल रहा है कि जो ट्रेलिंग प्राइस है ना वो कैन नॉट बी लेस देन ऑर्डर प्राइस, ऑर्डर प्राइस से कम नहीं हो सकता है। इसको अपन रिट्राई करेंगे, बैक करेंगे और समझते हैं क्या प्रॉब्लम हो गई है। तो देखिए अभी अपन क्या करते हैं, ऑर्डर अपना रिजेक्ट हुआ है, ठीक है, तो मैं बेसिकली क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर देखिए प्राइस जो था वो प्राइस मैंने चेंज कर दिया, 143 के आसपास मार्केट हो गया है, तो यहाँ पर मैंने वो डाल दिया है। और स्प्रेड मैं सिर्फ यहाँ पर डाल रहा हूँ मैं 20, ठीक है, और मैं कुछ भी चेंज नहीं कर रहा हूँ। स्टॉप लॉस अपना ऑटोमेटिकली 123 पर आ गया और इसको मैं मार्केट पर ही सिलेक्ट रहने दे रहा हूँ। और इसको अपन ऑर्डर बाय करते हैं और देखते हैं, लॉट डालने के लिए बोला, एक लॉट अपन ने डाल दिया और इसको यहाँ पर बाय पर क्लिक करते हैं। देखो ऑर्डर अपना सक्सेस हो गया अभी, ठीक है, अपन जाएंगे ऑर्डर बुक में, तो यहाँ पर देखो अभी अपना ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हुआ है क्योंकि अभी रेट इसका ज़्यादा चल रहा है, 153 के आसपास पहुँच गया। इसको अपन मॉडिफाई कर देते हैं और मॉडिफाई करके इसको अपन 152 कर देते हैं, ठीक है, मॉडिफाई ऑर्डर किया। अभी देखो अपना ट्रेड हो चुका है, ये वाला ट्रेड हो चुका है, तो ट्रेडेड लिख के आ गया। यहाँ पर अपन चलेंगे पोजीशंस के अंदर, तो देखो 42,200 का मैंने कॉल ऑप्शन लिया है ना, तो यहाँ पर देखो अपना इस पोजीशन में देखेगा सारा नेट PNL कितना चल रहा, सारी चीज़ें अपन को यहाँ पर शो करेंगी। और वापस से चलते अपन ऑर्डर्स के अंदर, तो ऑर्डर से अपन आएंगे तो देखो अपना यहाँ से बाय हो गया अपना, ठीक है, और अपना जो स्टॉप लॉस है वो कितने पर लग गया, 130.75 रुपये पर लग गया है, क्योंकि मैंने इसको बाय किया तो जिस समय मैंने बाय किया ना तो ये मार्केट रेट से ही बाय हो गया है। और अब क्वेश्चन यहाँ पर है कि भाई ये मार्केट रेट से बाय क्यों हो गया, क्योंकि मैंने तो वहाँ पर डाला था 152, लेकिन ये कितने से बाय हो गया। यहाँ पर अपन जाएंगे पोजीशंस के अंदर, तो पोजीशंस में अपन देखेंगे तो एवरेज प्राइस कितने पर दिख रहा है, 151.45 दिख रहा है। मतलब मैंने डाला था 152 लेकिन 151.45 बाय हो गया। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि जब भी अपन प्राइस डाल रहे हैं, ठीक है, और उस प्राइस से नीचे अगर मार्केट चल रहा है, ठीक है, मतलब जैसे 152 डाला मैंने और जैसे ही मैंने ऑर्डर पंच किया तो उस समय जो मैंने रेट डाला उससे कम अगर मार्केट में प्राइस चल रहा है तो मेरा ऑर्डर करंट मार्केट रेट से एग्जीक्यूट हो जाएगा। लेकिन अगर वहीं इसका रेट चल रहा होता, मान लो ज़्यादा चल रहा होता, 152 से ज़्यादा चल रहा, 170 या 180 चल रहा होता ना, तो मेरा ऑर्डर वहाँ पर पेंडिंग हो जाता, क्योंकि नॉर्मल तरीके से अपन कर रहे हैं ना, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि ऊपर की बिड अपन नहीं लगा सकते, कि ऐसा नहीं कर सकते अपन कि मार्केट चल रहा है 150 का और अपन को बिड लगानी 160 की, तो नहीं लगेगी वो, करंट मार्केट से ऑटोमेटिकली पोजीशन अपनी एग्जीक्यूट कर देगा। लेकिन एक स्पेशल केस होता है जिसमें अपन ऊपर की बिड भी लगा सकते हैं, वो मैंने बताया हुआ है वीडियो में डिटेल में, जो वीडियो मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी आपको रिकमेंड की थी ऑर्डर्स वाली कोटक सिक्योरिटीज़ की, तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा, तो वहाँ पर आपके बहुत सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। अब देखिए अपन ऑर्डर्स में आ गए हैं और यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको क्लियर करता हूँ। सबसे पहले तो जब अपन ऑर्डर बाय कर रहे थे तो एक चीज़ छूट गई थी, ठीक है, वो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। स्प्रेड में अपन ने डाला कितना, 20 पॉइंट अपन ने डाला और अपन ने कितने से 152 से अपन ने बाय किया। मान लो 152 पर ही अगर अपनी पोजीशन एग्जीक्यूट हुई होती, खैर 152 पर नहीं हुई अपनी पोजीशन एग्जीक्यूट, 151 के आसपास हुई है, तो अपना स्टॉप लॉस कितना होता, 132 का होता, क्योंकि 20 पॉइंट नीचे है, तो ऑटोमेटिकली स्टॉप लॉस कितना ले लिया उसने, 132 का। लेकिन कंडीशन अपनी क्या थी, 151 के आसपास अपना पोजीशन बाय हुई है, ठीक है ना, तो इसलिए उसने स्टॉप लॉस जो अपना लिया था ना 130 के आसपास उसने ले लिया अपना स्टॉप लॉस। अब इसमें क्या होता, कोटक में क्या होता है, अदर मोबाइल एप्लीकेशन की बात की थी मैंने, IIFL या फिर एंजल, ठीक है, वहाँ पर क्या होता था, जो अपन जंप प्राइस डालते थे ना, जैसे मान लो अपन ने 100 रुपये से अपन ने बाय किया, ठीक है, और अपन ने 90 का स्टॉप लॉस है तो जंप प्राइस कितना 2 का दिया, तो 102 होगा ना, तो क्या होगा अपना 92 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या, ये वाला प्राइस का कोई सिस्टम ही नहीं है, ठीक है ना, यहाँ पर क्या है ना, सीधा सीधा हिसाब है, अपन को यहाँ पर क्या करना है, 20 अपन को डालना है, ठीक है, और जैसे भी जो जो रेट बढ़ेगा, देखो अभी आप देख रहे हो ना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस अपना चेंज हो गया, यहाँ पर कितना 135 पहुंच गया, अभी 131 था, क्यों हो गया, क्योंकि उसका रेट जैसे ही बढ़ेगा ना, जो भी अपना एवरेज प्राइस है, तो जितना भी वो बढ़ता जाएगा ना उतना अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस चेंज होता जाएगा, जितना 1 रुपये बढ़ेगा 2 रुपये बढ़ेगा जितना ही बढ़ेगा उतना चेंज होगा। यहाँ पर कुछ अपन मल्टीपल में नहीं दे सकते हैं, मतलब जैसे जैसे स्टॉप लॉस जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा मार्केट में वैसे वैसे वो चेंज होगा। तो बस यहाँ पर अपन को इस चीज़ का विशेष तौर पर ध्यान रखना है। दोबारा बता देता हूँ, सिंपली जब आप ऑर्डर बनाएंगे, दूसरा ऑर्डर आपको बना के बता देता हूँ, ठीक है, मान लो मैं इसको ले लेता हूँ 40,000 वाले कॉल ऑप्शन को अपन ले लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर अपन जाएंगे तो अपन को डालना है यहाँ पर क्या, स्प्रेड अपन को डालना कि कितने पॉइंट का स्टॉप लॉस आप देना चाहते हैं। इसे मैंने डाल दिया 30, मतलब 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस देना, मतलब जो भी मार्केट में इसका रेट चल रहा है जितने से भी आप इसको बाय कर रहे हैं उसके कंपैरेटिवली 30 पॉइंट का ही आपका लग गया स्टॉप लॉस, तो कितना 214 का आपका स्टॉप लॉस हो गया, ठीक है। अब जैसे ही इसका रेट 244 से 245 होगा ना, ठीक है, 1 रुपये बढ़ेगा ना ये मान लो, ठीक है, तो क्या होगा आपका जो स्टॉप लॉस है ना वो भी कितना 215 हो जाएगा। जितना आप भी मार्केट में इसका रेट बढ़ेगा ना तो वैसे वैसे जो आपका स्टॉप लॉस है ना वो भी आपका बढ़ता जाएगा, ट्रेल होता जाएगा ऑटोमेटिकली। सीधा सिंपल हिसाब यहाँ है। यहाँ पर मैं ये सोच रहा था कि शायद ये स्प्रेड है ना ये पॉइंट अपन को डालने होंगे
जैसे मैंने दो डाल दिया ना, तो दो पॉइंट का गैप लेगा वो, कि 244 से 246 होगा ना, तो ही अपना 214 से स्टॉप लॉस अपना 216 होगा। लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ पर कोई पॉइंट वगैरह नहीं डालना अपन को, सीधा सीधा हिसाब किताब है। तो इस चीज़ का विशेष तौर पर ध्यान रखना बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है, कि आपको जब भी आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाओ यहाँ पर, तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आप यहाँ पर स्प्रेड डाल दो, मतलब पॉइंट डाल दो, कितने पॉइंट का डिफरेंस आपको देना है, तो आपका जो स्टॉप लॉस है ना ऑटोमेटिकली यहाँ पर कैलकुलेट हो जाएगा, आ जाएगा कितने का आपका स्टॉप लॉस लगेगा बस, और वहाँ पर आपको छोड़ देना। जैसे जैसे रेट बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली आपका जो स्टॉप लॉस है ना मूव होता जाएगा। अपन बैक करते हैं, देखिए रेट थोड़ा सा और बढ़ गया है। अपन चलते हैं यहाँ पर ऑर्डर्स एंड पोजीशंस में, ठीक है, इस पर अपन क्लिक करेंगे तो देखो मेरा जो स्टॉप लॉस है कहाँ पर 148 पर आके आ गया, क्योंकि जो मार्केट में प्राइस है ना 169 पहुंच गया, इसका रेट 170 पहुंच गया। देखो स्टॉप लॉस जैसे जैसे बढ़ेगा ना रेट, तो वैसे वैसे स्टॉप लॉस मेरा चेंज होता जाएगा। अपन आएंगे पोजीशंस के अंदर, तो देखो मुझे अभी प्रॉफिट भी कितना दिख रहा है, 400 रुपए के आसपास का मुझे यहाँ पर प्रॉफिट दिख रहा है। देखिए यहाँ पर जितना भी बढ़ेगा ना मार्केट, वैसे वैसे मेरा स्टॉप लॉस बढ़ता जाएगा। अब देखो मैंने बाइंग कितने से किया था, यहाँ पर देखो 56 का मेरा स्टॉप लॉस पहुंच चुका है। अब ध्यान से समझना, बाइंग कितने से किया था मैंने, 151.45 से मेरा बाइंग है, और मैं स्टॉप लॉस मेरा ऑलरेडी ऊपर चला गया। मान लो मार्केट गलती से अगर नीचे भी आ जाता है ना, ध्यान नहीं दे पाता हूँ ना मैं, तो भी अपन लॉस में नहीं निकलेंगे यहाँ से, कॉस्ट टू कॉस्ट अपन बाहर हो जाएंगे ऑलमोस्ट। लेकिन अगर मान लो अपन को अब यहीं से स्क्वायर ऑफ होना, अपन चाहे तो यहीं से अपन बाहर निकल जाए और ज़्यादा वेट नहीं करना है, तो जस्ट इसी पोजीशन के ऊपर अपन क्लिक करेंगे, स्क्वायर ऑफ पर अपन क्लिक करेंगे। स्क्वायर ऑफ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो लिख के आ रहा ना मार्केट, ठीक है, अपन को करंट मार्केट से अगर निकलना है तो अपन यहाँ पर मार्केट पर टिक करेंगे, रिव्यू ऑर्डर करेंगे और इसको अपन सेल कर देंगे। तो अपना देखो सक्सेस हो गया यहाँ से, और अपन मार्केट से बाहर हो गए, ठीक है। बैक आएंगे अपन और यहाँ पर आएंगे तो देखिए अपना जो प्रॉफिट है, जो अपना पीएनएल ना, ये अपना फिक्स हो गया, मतलब इसमें कम या ज़्यादा अभी कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि अपना जो प्रॉफिट है ना, अपना प्रॉफिट अब बुक हो चुका है, ठीक है ना। और ओवरऑल जो भी प्रॉफिट है ना वो मुझे यहाँ पर दिख जाएगा। पहले जो पोजीशन बनाई थी ना इसमें मिस्टेक हुई थी, तो उसमें 50 रुपये का लॉस हुआ था, और यहाँ पर देखो 512 का प्रॉफिट हो गया। तो ओवरऑल जो भी रहा ना ऊपर यहाँ पर अपन को लिख के आ जाता है। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, मैंने क्या किया, पोजीशंस में ही पोजीशंस पे डायरेक्टली क्लिक करके मैंने अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ किया है, ठीक है ना। अब यहाँ पर ध्यान रखना क्या होगा, देखो ऑर्डर्स में अपन जाएंगे ना, ऑर्डर्स में देखो जो ट्रेलिंग था ना वो अभी यहाँ पर पेंडिंग दिख रहा है। क्यों दिख रहा है पेंडिंग, क्योंकि अपन ने वहीं से अपनी पोजीशन को निकाल दी है। दूसरा तरीका भी था पोजीशन को निकालने का, ट्रेलिंग वाले ऑप्शन पर अपन क्लिक करते, इसको अपन मॉडिफाई करते, तो ऐसा अपने सामने आ जाता। तो जब मॉडिफाई करते ना, तो यहाँ पर जो प्राइस दिख रहा है ना, इसको भी अपन मार्केट प्राइस पर सेलेक्ट करके यहाँ से अपनी पोजीशन अपनी एग्जिट कर सकते थे। मतलब आप पोजीशंस में आकर के यहाँ पर कर देते ना, तो जो अपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस वाली पोजीशन थी ना, जो पेंडिंग दिख रही थी, वो पोजीशन अपनी क्लोज हो जाती, ठीक है। तो दो तरीके अपने पास, एक तो वहाँ से कर दो या फिर यहाँ से कर दो। वहाँ से करोगे तो जो ऑर्डर अपना पेंडिंग था ना स्टॉप लॉस वाला, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस पेंडिंग रहे या कोई सा भी ऑर्डर अपना पेंडिंग रहे, ध्यान में रखना, उसको आगे आपको मैनुअली उसको कैंसिल करना पड़ेगा वहाँ से। तो अपन क्या करते हैं, अभी इसको अपन कैंसिल कर देते हैं, यहाँ पर कैंसिल वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इस ऑर्डर को, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस वाले को जो भी अपना पेंडिंग है अभी, देखिए कैंसिल कर दिया मैंने, तो यहाँ पर ही कैंसिल हो चुका है। तो आप ध्यान रखना इन सभी चीज़ों का जो मैंने बताया, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ मैं, कि अगर आपने पोजीशन बनाई है और पोजीशन में से आके यहाँ से डायरेक्टली अगर आप स्क्वायर ऑफ कर दोगे क्लिक करके, और आपका अगर कोई स्टॉप लॉस पोजीशन में लगा है, तो वो आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर पेंडिंग रह जाएगा। और अगर वो पेंडिंग रहेगा, ठीक है, और आप अगर उसको हटाना भूल जाते हैं, तो जिस प्राइस पर आपने उसको पेंडिंग किया है ना, वो प्राइस मार्केट में आएगा, तो वहाँ से एक नई पोजीशन वो क्रिएट कर देगा। तो ध्यान रखना कि उसको आपको हटाना पड़ेगा मैनुअली जाके। तो इस प्रकार से आप अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा सकते हैं कोटक सिक्योरिटीज़ के अंदर। थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है, लेकिन हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अपन ने लगा लिया, अपन ने समझ लिया कैसे किया जाता है, और अब आप भी लगा लोगे ऐसे ही सेम तरीके से जब आप ब्रैकेट ऑर्डर वाला लगाते, ठीक है। वापस से मैं किसी पोजीशन पर क्लिक करता हूँ, इसको अपन बाय करते हैं। तो जो मैंने आपको बताया था ना, कि अगर आप मान लो यहाँ पर इसको सेलेक्ट कर लेते TSL, मतलब ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ब्रैकेट ऑर्डर, इसको अगर आप सेलेक्ट कर लेते ना, तो क्या होता, आपको सिर्फ यहाँ पर एक्स्ट्रा में प्राइस डालना पड़ता, प्रॉफिट वाला प्राइस, मतलब आपका टारगेट प्राइस डालना पड़ता है, कितने का आप टारगेट लगाना चाहते हैं। जैसे मैंने कहा कि करंट मार्केट से पोजीशन को बेचा था अपना, ठीक है, आप यहाँ पर टारगेट लगा देते तो आपका टारगेट भी लग जाता साथ साथ, और बाकी चीज़ें सेम करनी है आपको। जितने पॉइंट का आप स्टॉप लॉस लगाना चाहते, मान लो आपको यहाँ पर देना है 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस, तो आप यहाँ पर 30 डाल देंगे। अगर आप 232 से बाय कर रहे हैं ना, तो 202 पर आपका ऑटोमेटिकली जो स्टॉप लॉस है ना वो आके लग जाएगा। बस इस वाले ऑप्शन से कुछ छेड़खानी नहीं करनी, इसको छोड़ देना है। और आपको इन ऑर्डर्स के बारे में और भी डीपली समझना है, ठीक है ना, जो ब्रैकेट ऑर्डर है और जो आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ऑर्डर है, इन ऑर्डर्स के बारे में मैंने अच्छे से एक वीडियो में समझाया हुआ है। उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या फिर चैनल पर आप जाएंगे तो वहां पर भी आपको मिल जाएगा, या फिर यूट्यूब पर आप सर्च कर देना कोटक सिक्योरिटीज और शिवम सेन लिख देना, तो मेरा वीडियो आपको सबसे पहले देखने को मिल जाएगा। तो उस वीडियो में आप अपना जो नॉलेज है वो और भी इम्प्रूव कर पाएंगे, और इन ऑर्डर्स के बारे में आपको डिटेल में अच्छे तरीके से जानकारी मिल जाएगी। बस उस वीडियो में क्या था, मैंने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को लाइव नहीं बताया था, तो मैंने इसलिए वीडियो बनाई है कि मैं आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लाइव बता दूं। तो चलिए फिर आज की वीडियो में इतना ही, मैंने आपको सारी चीज़ें कंप्लीटली बता दी हैं, ठीक है। आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और चैनल पर अगर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, इसी प्रकार की और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए। मिलेंगे अपन किसी और नई वीडियो में किसी और न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।